नमस्कार, मैं हूँ शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। जयंत चौधरी लोकसभा में क्या कमाल दिखाते हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी राज्यसभा चुनावों में अचानक से उनकी भूमिका बड़ी अहम हो गई है। जी हाँ, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने आखिरकार एनडीए का दामन थाम ही लिया। इसके संकेत पहले ही मिल गए थे, लेकिन आज अपने फैसले पर उन्होंने मोहर भी लगा दी। जयंत ने कहा कि सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं से बात हो गई है और अब वो लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा होंगे। जयंत के एनडीए में आने से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूती मिलेगी, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जयंत का ताज़ा झटका समाजवादी पार्टी को राज्यसभा चुनावों में मिल सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होना है। इसके लिए 27 फरवरी को होनी है वोटिंग। वैसे देश में 56 सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो यूपी में हैं जिस पर मतदान होना है, इसीलिए इसे महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। यूपी में एनडीए के अभी तक 277 विधायक थे और राज्यसभा में जीत के लिए मौजूदा हालात के मुताबिक हर उम्मीदवार को 37 विधायकों का वोट चाहिए। इस हिसाब से बीजेपी को 7 सीटें मिलना तय माना जा रहा था। इसी तरह समाजवादी पार्टी के पास 119 विधायक हैं। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद दोनों ही दल एक एक सीट के लिए जोर आजमाइश कर सकते हैं। बता दें, जो 10 सीटें खाली हुई हैं उनमें 9 पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी काबिज है। लेकिन आज यह समीकरण पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि जयंत चौधरी आधिकारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायक हैं। वो बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे, यानी कि 7 सीटों के अलावा बीजेपी के पास 18 बचे वोट में से 9 वोट और जुड़ जाएंगे, यानी बीजेपी के पास 27 वोट हो जाएंगे। फिर भी 10 वोट बीजेपी को और चाहिए होंगे 8वीं सीट पर कब्जा करने के लिए। उधर समाजवादी पार्टी के पास अभी तक आरएलडी के 9 वोट मिलाकर कुल 119 विधायक थे। अब इस हिसाब से वो राज्यसभा चुनाव में 3 सीट बड़े आराम से जीत सकते थे। लेकिन अब आरएलडी इंडिया गठबंधन से हट चुकी है, तो समाजवादी पार्टी की 2 सीटें तो पक्की मानी जा रही हैं, लेकिन तीसरी सीट के लिए उसे एक वोट की जरूरत होगी, जिसको पाना अखिलेश यादव के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। अब सवाल यह है कि क्या मायावती अखिलेश को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 विधायक है। कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट बुआ मायावती और भतीजे अखिलेश के संबंधों के बीच फंसी हुई है। ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।